वाह भाई, तुझे कितने सारे लाइक्स आते हैं, वाह। ये देख मेरी रीसेंट वीडियो पे 10 लाइक्स आए हैं, है ना कूल? भाई तू तो कितना फेमस है यार। यार तू इतना सारा फेम हैंडल कैसे करता है? अरे कुछ नहीं, मेरे लिए तो बाय हाथ। ये देख मेरी रीसेंट वीडियो पे 800 प्लस लाइक्स है, नूब्स फ्रीकिंग स्मॉल यूट्यूबर्स। तो मैंने तुमसे पिछली वीडियो पे 400 लाइक्स करने के लिए कहा था और तुम लोग ने तो क्या ही बोलूं। थैंक्स करण भाई वीडियो शेयर करने के लिए, और मुझे लगता है आज दुनिया को सच बता ही देना चाहिए। मैं करण एनिमेशन नहीं, नॉट योर टाइप हूँ असलियत में। अरे हा 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 हा, बाय द वे बैटरी है, इससे ये चालू होता है। फिर करण भाई आगे चल के पता है स्क्रिप्ट में क्या होगा, ऐसे आरजी और पफ भी आ जाएंगे फ्रेम में, फिर अपन सब ना ऐसे शर्ट उतार के नाचने लग जाएंगे, है ना? सही आइडिया है ना? अरे बोलो बोलो, सही आइडिया है ना? अब तो करोगे मेरे साथ कोलैब? अरे करण भाई बोलो ना, शर्मा क्यों रहे हो? ये देखो करण भाई कितनी सही स्क्रिप्ट लिखी है, मजा आ जाएगा ऑडियंस को। अरे अरे कहाँ जा रहे हो करण भाई? अरे बाथरूम इधर है करण भाई, हेलो। आ जाएंगे शायद वो वापस। तो हाँ, रियल लाइफ में कुछ ऐसा ही हूँ, अजीब कह लो, नहीं एक्चुअली काफी अजीब कह लो। अरे भाई इनकी रियल लाइफ है झंड। तो हम सब लोग इंटरनेट यूज करते हैं, ऑफ कोर्स उसी चीज की वजह से तुम मेरी ये वीडियो देख पा रहे हो। और या तो मैं टोटली गलत हूँ, तुम लोग ये 1% लोगों में से आते हो। मुझे नहीं पता था यार एलियंस भी मेरी वीडियो देखते हैं। हे, तुमने सब्सक्राइब किया, फ्री है यार। तो हम सब लोग इंटरनेट पर एक अलग ही पर्सन होते हैं, इतने अलग कि समझ लो रियल लाइफ में तुम एक चोर हो मगर इंटरनेट पर एक दानी। तुम हमेशा इंटरनेट पर अपनी रियल इमेज से या तो बुरे होगे या तो अच्छे, और इसी कारण से जब तुम तुम्हारे किसी ऑनलाइन फ्रेंड से रियल लाइफ में मिलते हो तो तुम काफी ऑकवर्ड हो जाते हो। तू राहुल है? हाँ भाई मैं ही हूँ राहुल, तू आयु है क्या? नहीं तो मैं थोड़ी ना हूँ, मैं तो यहाँ पे झाड़ू लगाता हूँ। अच्छा आयु, मुझे नहीं पता था तू यहाँ पे झाड़ू भी लगाता है। नहीं नहीं रुक जा, अभी मैं सभी लोगों को बता देता हूँ कि आयु यहाँ पे झाड़ू लगाता है। देखो तुम जैसा समझ रहे हो वैसा नहीं है, आयु यहाँ पर झाड़ू नहीं लगाता है, यहाँ तो मैं झाड़ू लगाता हूँ। रुको सुनो मेरी बात। फक, क्योंकि कोई नहीं चाहता उनकी रियल लाइफ की बुराई उनके इंटरनेट पर भी आए। अब देखो अगर मैं रियल लाइफ में गंदा दिखता हूँ तो मैं वही फोटो खींच के इंटरनेट पर नहीं डालूंगा। फिल्टर विल्टर का गेम मुझे भी आता है। हाँ हालांकि वो बात अलग है, फिल्टर के बाद भी मेरी फोटो उतनी गंदी दिखती है। ये मजबूर है खुद की बेइज्जती करके कॉमेडी करने के लिए, मगर आप नहीं। ओके कम ऑन यार, इतना भी गंदा नहीं दिखता मैं। हेलो, ओए मैं दिखने में कैसा हूँ? क्या बोला? They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just... अब अगर मैं मेरा ही एग्जांपल ले लूं तो इंटरनेट पर मैं हूं कूल बॉय 69, फॉलो करें अभी इंस्टाग्राम पर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। हां भले रियल लाइफ में मेरी कितनी फट्टी हो लोगों से बात करने में, बचाओ, पर इंटरनेट पर तो ओ बॉय मैं हूँ कूल बॉय 69, फॉलो करे अभी इंस्टाग्राम। सुनो मेरी बात सुनो, ये चीज बार बार मेंशन करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, ठीक है? एक बार में लोगों को समझ में आता है, कर देंगे फॉलो। रियल लाइफ में मैं कितना डिप्रेस रहूं मगर इंटरनेट पर तो मैं हूँ कूल बॉय 69, कूल बॉय 69। ब्रो व्हाट द फक, माइकी तू जिंदा है? मुझे वो घटिया से नाम देना बंद करो, मेरा नाम जॉर्डन है, ठीक है? और तुम ऐसी बदसूरत सी आवाज में मेरे राइट साइड गा नहीं सकते, ठीक है ब्रो? तू ऐसे फक अराउंड नहीं कर सकता मेरे राइट साइड उस गंदी आवाज से। माइकी मगर जॉर्डन, एक बार में समझ नहीं आता, जॉर्डन है मेरा नाम। जॉन लेकिन जॉर्डन है मेरा नाम। जॉर्डन लेकिन मेरा ऐसा मतलब नहीं था। क्या मतलब तेरा वो मतलब नहीं था ब्रो? पिछली वीडियो में तूने एक गाना गाया उससे मेरा कान अभी तक बंद है। I'm feeling sorry for you, homie. Cancel not your type. अरे क्या हो रहा है, कोई टॉय स्टोरी की तो स्क्रिप्ट नहीं लिख दी मैंने। एक काम करता हूँ। बाल बाल बचा, चलो अब स्क्रिप्ट लिख लेता हूँ। हाँ चलो परफेक्ट है अब स्क्रिप्ट। Bro what the fuck? अरे साले अब नहीं बचेगा तू। नहीं।
तो तुम लोग को मैं एक ऐसी चीज बताऊंगा जिससे कि तुम लोग का पूरा दिमाग हिल जाएगा। तुमने एक चीज नोटिस की होगी, आज तक जितने भी लोग तुम्हें इंटरनेट पर मिले जो कि आज तुम्हारे दोस्त थे, वो लोग सब के सब काफी कूल है, या वो लोग ऐसे लोग है जो तुम्हें अपनी रियल लाइफ में चाहिए। पर कभी तुमने ऐसा सोचा कि ऑनलाइन ही लोग क्यों कूल है, या ऑनलाइन ही लोग तुम्हें ज्यादा क्यों पसंद कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि जैसे तुम तुम्हारी रियल लाइफ की बुराई कभी ऑनलाइन नहीं आने देते हो, सेम वही काम तुम्हारा वो ऑनलाइन दोस्त भी कर रहा है, और इसीलिए तुम लोग का ये ऑनलाइन संबंध इतना अच्छा चलता है। असलियत में तुम सबके सब टॉक्सिक हो, बस प्रिटेंड कर रहे हो अच्छा बनने का। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे बस जलन हो रही है क्योंकि मेरे ऑनलाइन दोस्त हमेशा मुझे ग्रुप चैट से किक कर देते हैं। अगर वो ग्रुप में से कोई भी ये वीडियो देख रहा है तो तुम्हारी बहन की। हम लोग सभी हमारी ऑनलाइन इमेज को लेकर काफी कॉन्शियस रहते हैं अक्सर, क्योंकि कमेंट्स में अपनी खुद की तारीफ सुनना किसको पसंद नहीं। इसलिए तुम तुम्हारे ऑनलाइन दोस्तों के सामने अच्छा बनने के लिए उनके इंटरेस्ट को अपना इंटरेस्ट बना लेते हो। ओ वाओ, उसे हाथी की सूंड पसंद है, मुझे भी पसंद है, और इस चीज को तुम इग्नोर कर देते हो कि वो चीज बुरी है या कितनी अजीब है। पॉइंट बस इतना है, बस एक वॉनबी कूल बनने के लिए खुद के इंटरेस्ट को मत चेंज करो। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि किसी को हाथी की सूंड पसंद है तो उसको जाके तुम गाली दो। पॉइंट बस इतना है कि कभी तुम्हारा ऑनलाइन ग्रुप किसी बंदे पर हेट फेंक रहा है तो तुम भी बस बेफालतू में स्टार्ट मत हो जाना। तो जैसा कि मैंने अब इतना ज्ञान पेल तो दिया है तो हेलो। ओए, तुझे हम ग्रुप में वापस ले लेंगे, मगर तेरे को बच्चे को गाली देनी पड़ेगी। हाँ भाई ठीक है, कुछ भी करूंगा भाई, बस ग्रुप में ले लो यार। कौन से बच्चे को गाली देनी है, उसका आईडी दे दे। ओह शिट। यो, तो ये वीडियो काफी सीरियस थी, इसलिए अभी जाके अपने सारे ऑनलाइन दोस्तों को गाली बको। मजाक कर रहा हूँ। खैर, वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना, और इस वीडियो का एम रखते 450 लाइक्स के लिए। अब मुझे पता है तुम लोग कर दोगे, तुम लोग बहुत औसम हो। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो यार, और इस वीडियो को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज में शेयर करो, और मौका पाओ मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक प्यारा सा शाउट आउट पाने का। एंड इन दिस वीडियो शाउट आउट टू अवधूत एनिमेट्स, एंड मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।